शादी टूटने के बाद भी बहन को परेशान करने वाले प्रेमी युवक पर युवती के भाई ने विवाद में भयंकर तरीके से हमला कर दिया, जिसमें युवक के पेट के अंदरूनी अंग तक बाहर आ गए। पर हिम्मत जुटाकर गंभीर अवस्था में भी घायल प्रेमिका के घर पहुंचा, जिसके बाद प्रेमिका ने खुद ही अपने भाई के जुर्म की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी के मुताबिक मृतक और आरोपी पड़ोस में ही रहते हैं और दोनों में दोस्ती भी थी। बताया जा रहा है कि मृतक का आरोपी की बहन से करीब 3 से 4 साल तक प्रेम संबंध रहा, जिसके चलते दोनों की शादी भी तय हो चुकी थी। पर किसी कारण आरोपी की बहन और मृतक का झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों की शादी टूट गई। इसके बाद कई बार मृतक ने आरोपी की बहन से संपर्क करने की कोशिश की और कई बार उसे परेशान किया। इसके बाद बहन ने सारा मामला अपने भाई को बताया। आरोपी भाई हिमांशु प्रदीप मून, उम्र 22 वर्ष, रमानगर गली नंबर 5 निवासी। मृतक निखिल साहू उके, उम्र 28 वर्ष, रमानगर गली नंबर 7 निवासी को कल रात फोन कर मिलने को बुलाया, जिस पर मृतक ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जा रहा है। पर कई बार आरोपी के फोन करने पर मृतक अपने दो दोस्तों के साथ आरोपी के घर के पास पहुंचा, जहां आरोपी हिमांशु अपने दो दोस्तों आरोपी विशाल उर्फ काल्या और अंकित उर्फ एनी नीलेश वाघमारे के साथ मौजूद था। वहां पहुंचते ही मृतक की आरोपी से कुछ बात हुई, जिस पर मृतक ने अपने दोनों दोस्तों को वहां से जाने के लिए कहा। जब मृतक के दोस्त मौके से चले गए तो आरोपी और मृतक में जमकर विवाद छिड़ गया, जिस पर धारदार हथियार से आरोपी ने मृतक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस मामले में आरोपी के दोनों दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। मृतक पर इतनी गंभीरता से वार किया गया कि उसकी आंतरिक अंग भी बाहर आ गए। फिर भी हिम्मत जुटाकर मृतक आरोपी की बहन के पास पहुंचा। घायल अवस्था में अपने पूर्व प्रेमी को देख आरोपी की बहन ने मृतक के दोस्तों को फोन किया, साथ ही साथ मामले की जानकारी पुलिस को भी दी। मृतक के दोस्तों द्वारा बुरी तरह घायल निखिल साहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर आज इलाज के दौरान मृतक ने दम तोड़ दिया। कल रात्री 12:30 to 1 के सुमारास एक इसम नामे निखिल उके, वय वर्ष 29, रमानगर 85 प्लॉट, या इसमाची त्याचेच अगदी जवळचे मित्र आणि त्याचा एक दूरचा नातेवाईक हिमांशु मुन यांनी व त्याचे इतर दोन साथीदार अंकित वाघमारे आणि विशाल फुलमाळे यांनी मिळून धारदार शस्त्राने त्याच्या पोटावर, छातीवर आणि ठिकठिकाणी वार करून त्याला जखमी केले। जखमी अवस्थेत त्याला GMC इथे ॲडमिट केले असता उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झालेला आहे। त्या अनुषंगाने अजनी पोलीस स्टेशन इथे 302 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। या तीनही आरोपींना आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे आणि पुढील तपास करत आहोत। यामध्ये हा जो मृतक आहे, या मृतक हा आरोपीचा नातेवाईकच आहे। आरोपीच्या बहिणीशी त्याचे प्रेमसंबंध होते आणि त्यांचं लग्न देखील ठरणार होतं अशी प्राथमिक माहिती प्राप्त आहे, परंतु काही कारणास्तव काही दिवसापासून त्या दोघांमध्ये वादविवाद झाल्याने ते आपसात लग्न करणार नाही असं ठरलं होतं आणि त्या कारणाने मृतक हा वारंवार लग्नासाठी विचार न करत होता, परंतु मुलगी नकार देत होती। त्यामुळे मुलीच्या भावाने म्हणजे हिमांशु याने त्या रागाच्या भरात ही हत्या केली असल्याचे प्रथम दर्शनी दर्शन असेल। यातील मृतक हा रिलायन्स स्मार्टमध्ये खाजगी नोकरी करायचा अशी माहिती आहे आणि यातील जो मुख्य आरोपी हिमांशु आहे त्याच्यावरती एक बॉडी ऑफेन्स दाखल आहे अशी माहिती आहे। हे तिघही मित्र होते आणि यांचं म्हणजे मृतक आणि आरोपी हे एकमेकाचे दूरचे नातेवाईक असल्याने आणि त्यांचे पूर्वीपासूनचे संबंध असल्याने त्यांना आपसात चर्चा करायची होती, जी चर्चा कौटुंबिक स्वरूपाची होती। त्यामुळे मृतकाने त्याचे जे त्याच्या इतर जे दोन मित्र होते त्यांना सांगितलं की तुम्ही थोडा वेळ बाहेर जा, ते काही पार्टीला वगैरे जाणार असतील तर तुम्ही जा, आणि असं सांगून त्यांना निघून जाण्यासाठी सांगितलं होतं अशी माहिती फिरियादीने दिलेली आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षांत सारी की रिपोर्ट।